ये देखा दोस्तों, आज हम एक पेड़ के पास आ चुके हैं। एक पेड़ के अंदर जो है ना वो पढ़ना चालू कर रहा हूँ। देखो जो भी है कहीं पे भी है, बड़े क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या है, देखो इंटीग्रेशन है इसका, इंटीग्रेशन है 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है ना। 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू, ये है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूँगा। इसको ऐसे तो ये x plus 1 और ये हो गया x plus 2, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के दो तरीके, या तो इसको पूरी मेथड सॉल्व करो, एक शॉर्ट ट्रिक देखो। जब तो मेरा ये पूरे क्वेश्चन के अंदर x प्लस वन है ना, तो देखो x प्लस वन इक्वल टू जीरो रखोगे तो देखो x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, ठीक है ना। माइनस वन इसके अंदर रखना, देखो इसको छोड़ दो, ये माइनस वन रखना, इसका मतलब 1 अपॉन 1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गई वैल्यू 1, है ना। तो a की वैल्यू 1 आ चुकी है, a की वैल्यू 1 आ चुकी है। अच्छा अब x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू रखो, यहाँ पे माइनस टू रखोगे तो माइनस वन आएगा। 1 अपॉन माइनस टू प्लस वन, इसका मतलब माइनस वन आएगा। तो माइनस वन को मैंने यहाँ लगाया, ये देखो ये, और यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब देखो ये क्या हो गया, अब ये सिंपल हो गया, डी एक्स, ठीक है, ये डी एक्स। तो इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट है 1 to 2 लिमिट है, ठीक है। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका और लिमिट क्या है इसकी, 1 to 2। अभी क्या हो गया बच्चों, ये इंटीग्रेशन कर दिया ना मैंने, तो भाई 1 अपॉन x का log x प्लस वन, 1 अपॉन x प्लस 2 का माइनस log x प्लस टू, ये क्या है, ये x प्लस टू है। अब क्या करोगे, अब बस लिमिट रख देता हूँ, पर लिमिट रखने के पहले एक log का सामना करना पड़ेगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 ऐसे, तो क्या है 1 to 2 लिमिट रखे, तो देखो log लिमिट रखा तो ये 2 प्लस 1 मतलब 3 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद माइनस 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 log log, ये क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 मतलब 2, तो मतलब 2 2, और नीचे कितना हो गया, नीचे 3 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब लास्ट में इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर होगा 9/8। डिस्को डिस्को आ चुके हैं। तो अब देखो, अब है ना, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम कुछ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे-छोटे क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि हम डेफिनेट क्वेश्चन ले। तो देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, sin x, ठीक है, sin x अपॉन 1 + cos x, cos x में cos x, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो कैसे ट्राई करें, देखो अभी ये क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन CBSE में आया भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। तो आप सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, बाय cos x को पुट करते हैं, क्योंकि cos x को पुट करेंगे तो sin x आएगा, इसलिए पुट किया मैंने। तो ये देखो पुट कर रहा हूं, पुट किया तो cos x इक्वल टू t, ठीक है। cos x का मैंने पुट किया तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो ये होगा sin x और dx, तो माइनस इधर लगा देता हूं, dt भाई cos x का डेरिवेटिव माइनस में होता है, तो वो जो माइनस है ना वो इधर मैंने लगा दिया इसके अंदर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, माइनस उधर चला गया, ठीक है। अब देखो तो अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखो ये जो sin x है ना, sin x के लिए वैल्यू तो क्या आ गई, dt आ गई, ये dt आ गई, माइनस को आगे लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा डिवाइडेड बाय 1 + t² क्यों आ गया, क्योंकि मैंने cos x को क्या पुट किया था, t पुट किया, ठीक है। अब पड़ेगा तो देखो लिमिट कैसे चेंज करते, ये जो है ना ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन x के फॉर्म में, तो लिमिट x की, मैंने क्वेश्चन को रिड्यूस कर दिया t के फॉर्म में, मतलब चेंज कर दिया, कन्वर्ट कर दिया t के फॉर्म में, तो लिमिट क्या होनी चाहिए, लिमिट भी t की होना चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे कैसे देखो लिमिट कैसे चेंज करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, ये ना x इक्वल टू 0, तो यहां पे रखो 0, तो इसका मतलब t कितना आएगा, 1 आएगा, cos 0 1 होता है। अच्छा पाई बाय 2 रखो, है ना, x इक्वल टू कितना रखा था, पाई बाय 2, तो t इक्वल टू कितना आएगा भाई, cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, बताओ 0, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 0 रखा तो 1 आया, तो देखो ये 1 आ गया, और जब तुमने क्या रखा, पाई बाय 2 रखा, तो 0 आया, ये हो गया। बताओ यहां तक किसी को कोई चालू है तो बोल, नहीं है तो चल। अब देखो हमने बताया कि देखो ये लोग जानते हैं प्रॉपर्टी के, ये है ना, ये जो लिमिट है इंटरचेंज कर सकते हैं इसको, तो इंटरचेंज कर देता हूं।
कैसे? बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन क्या हुआ? जीरो तो जीरो ही होगा, टेन प्लस वन मतलब आंसर कितना आ गया? आंसर क्या आ गया? पाई बाई फोर। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। I'm gonna get it.